In the seventh one, it says find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and the diagonal is 41 centimeter. रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है और रेक्टेंगल में क्या बोला हुआ है, लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर की है और डायगनल कितना है 41 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, तो अगर हम इसको नोटिस करें तो दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो अगर हमें पता है बेस मेरा 40 है, हाइपोटेनियस मेरे को पता है मेरा 41 है, तो आई कैन इजिली फाइंड द परपेंडिकुलर है। लेट से हमारे पास ये ए बी सी डी इज देयर, तो हम ट्राइंगल ए सी डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। सो इन दिस केस हाइपोटेनियस इज 41 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन, बेस बेस दिया हुआ है 40। हाइपोटेनियस की जगह क्या रखोगे 41 स्क्वायर, परपेंडिकुलर एज इट इज बेस क्या रखोगे 40 का स्क्वायर। सो 41 स्क्वायर इज नथिंग बट 1681, क्योंकि 41 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 41 से। और 40 का स्क्वायर तो बहुत इजी होता है, 4 का स्क्वायर 16 और दो जीरो लग जाएंगे। अब 1600 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस हो जाएगा 168 पे 81 में से, सो यू वुड गेट 81 ओनली। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इट वुड बी 9 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर इन दिस केस इज 9 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, आई नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल। तो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 एज इट इज, लेंथ कितना है हमारा 40, ब्रेथ कितना है हमारा 9, सो 2 इंटू 49। 2 इंटू 49 कितना हो गया आपका, इट वुड बी 98 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया रेक्टेंगल का, 98 सेंटीमीटर वुड बी देयर।